राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है दादाजी का ढाबा डॉट कॉम में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ भटूरे की रेसिपी। बहुत व्यूअर्स हमारे कमेंट्स में लिखे हैं कि हमें भटूरे की वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसका कोई भी सामग्री आपको चाहिए तो नीचे कमेंट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इन सामग्रियों की जानकारी आप मेरे वेबसाइट पर विजिट करके ले सकते हैं, और वहाँ पर वीडियो भी डाला हुआ है। देखिए, मैं भटूरे बना के, और उसी दिन मैं छोले बनाया था, तो ये भटूरे छोले खा के आपको दिखा रहा हूँ। अगर हमारी भटूरे की रेसिपी पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए, हमने 1 किलो मैदा लिया है, यहाँ पे 150 ग्राम सूजी दिया है, 1 किलो मैदा है, देखिए इसको छान के बढ़िया से हमने मैदा लिया है। और इसी में 1 चम्मच, छोटा चम्मच नमक डाल रहे हैं, इसी में आधा चम्मच चीनी डाल रहे हैं हम, और इसी में 100 ग्राम दही है मीठा, और यहीं पे 150 ग्राम सूजी हम डाल रहे हैं, और यहीं पे 2 चम्मच ये रिफाइन आया जाए। इसका टोटल सामग्री है 1 किलो मैदा, 100 ग्राम मीठा दही, 2 चम्मच रिफाइन, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चीनी और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। इसको हम बढ़िया से सबको मिला देंगे, और धीरे धीरे मिलाते रहेंगे, और धीरे धीरे पानी डालेंगे। ये देखिए, हमने मिला लिया है पूरा। अब इसको धीरे धीरे पानी डालेंगे। एक हमने आधा लीटर का यहाँ पे, ये देखिए आधा लीटर का है ये, और इसमें हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। कभी भी भटूरे बनाए तो इसको रेस्ट पर रख के बनाना पड़ेगा। इंस्टेंट तो बनता है भटूरे, लेकिन इसको रेस्ट पर रखना पड़ता है। कम से कम 2-3 घंटा रखेंगे तो आपका भटूरे फूला फूला बहुत बढ़िया बनेगा। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के और इस तरह से गूंद देते हैं। देखिए, हमारा ये आधा लीटर पानी इसमें लग गया है 1 किलो भटूरे को गूंदने में, लगभग आधा किलो पानी लग गया है। इस तरह से आप गूंद के और इसको हल्का सा हाथों में तेल लगा दीजिए, और तेल लगा के चारों तरफ लगा के और इसको ढक्कन से ढक के रख दीजिए। और इसको 2-3 घंटे के बाद आप जब इसको जो भटूरे बनाने जाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन आपका भटूरा बनेगा। ये थोड़ा गीला भी हो जाता है उस समय, और सूजी भी, सूजी वूजी सब बढ़िया से मेल्ट हो जाता है इसमें। ये देखिए, हमने ढक के रख दिया है, और बनाते समय हमने इसको दूसरे पतीले में चेंज कर दिया था। अब इसको अपने हिसाब से आप पेंदा काट लें, बढ़िया से मिला दें थोड़ा तेल लगाते हुए। और आगे परथन के लिए आटा मैदा कुछ भी दे दें आप, और रख लें, और जिस हिसाब से आपको बड़ा छोटा भटूरे बनाना हो उस हिसाब से पेंदा काट लें। ये देखिए, हमने फिर से उसी पतीले में रख कर ढक कर रख दिया है, ताकि इस सूखने पर बढ़िया भटूरा नहीं बनता है। तो देखिए, एक लाइन हमने काट के और यहाँ पे 6 भटूरे का पेंदा काट दिया एक लाइन से। अब इसको बढ़िया से मिला लें, जैसे आप रोटी पराठे बनाते हैं उस तरह मिला लें, और इसी में दबाते हुए अब आपको गोल बनाना है या लंबा बनाना, जैसे ही भटूरा जिस शेप में चाहिए परथन लगाते हुए आप बनाएं, आपका भटूरा बहुत मस्त बनेगा। जब भी आप भटूरे डालते हैं कढ़ाई में, तो कढ़ाई का फ्लेम मीडियम टू हाई होना चाहिए, मतलब मीडियम से ऊपर होना चाहिए और हाई के तरफ होना चाहिए। और भटूरे का जो भी आप जब बेलेंगे तो देखिए इतना थिकनेस होना चाहिए, देख लीजिए, इससे मोटा नहीं होना चाहिए। और देखिए, यहाँ पे हमने एक कढ़ाई लेके इसी में 1 लीटर रिफाइन ऑयल डाल दिया है, और भटूरा हमारा बिल्कुल ही मस्त फूल देगा। क्योंकि मैं अब घर पे भी एक दिन बना के इसको ट्राई कर चुका हूँ, भटूरा बहुत मस्त फूल जाता है। इस तरह से आप बनाए भटूरे, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका भटूरा कैसा बना। और दोस्तों, हमने जो ऑनलाइन यूट्यूब सिखाने की बात कही थी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस यस लिखते चलिए, ताकि मैं उसका काम शुरू करूँ। और मेरा एक और भी चैनल है, मेरे हाथ का स्वाद चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, उस पर भी वीडियो देखिए, इस पर भी देखिए। मैं जितना भी कमेंट्स दोनों का आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ इस पे भी डाल दूँ, कुछ इस पे डाल दूँ, ताकि सारी आपकी वैरायटी आपको मिलता रहे।
ये देखिए, मैंने अभी पहले तो गोल वाला भटूरा बनाया था, अब एक देखिए लंबा भटूरा बना रहा हूँ। आपको जिस शेप में बनाना हो इस पे फट्टे पे बनाए ऐसे करके, और परथन लगा के बनाए, क्योंकि अब अगर तेल लगा के बनाएंगे ना तो ये खींचता नहीं है। अब ये देखिए भटूरे एकदम बिल्कुल फूला फूला भटूरे बन रहा है। तो इस तरह से आप बनाए भटूरे, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपका भटूरा कैसा बना। इंग्रेडिएंट्स सारा, जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारा क्लियर है। आप अपने घर में बनाएं। छोले की रेसिपी ऑलरेडी मैं पहले से डाल ही चुका हूँ, आपको दोबारा मैं बता देता हूँ। 1 किलो मैदा में 100 ग्राम मीठा दही, 2 चम्मच रिफाइन ऑयल, 100 ग्राम सूजी, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक डाल के आप बना सकते हैं। 2-3-4 घंटा रेस्ट पर रख के आधा लीटर लगभग पानी डाल के। ये देखिए हमारा भटूरा जो भी हमने बनाया है वो भटूरा मस्त फूला है सारा, और इस तरह से बनाया भटूरे बहुत ही आपका बेस्ट भटूरा बनेगा। और ज़रूर हमें लिख के बताएं कि आपका भटूरा कैसे बना। ये देखिए पहले तो हमने एक एक करके दो बनाया था, अब देखिए 2 और भटूरे बनाए हमने। सारे भटूरे खिजे खिजे बनेंगे, तो हमें ज़रूर लिख के आप बताइएगा कि आपका भटूरा कैसा बना। और देखिए छोले हमने बना रखे थे उसी दिन, ये भटूरे वाले छोले हैं, और यहीं पे ये 2 भटूरे रख के हम खा भी रहे हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। और जो भी आप लोग लिखते हैं कि आपका ढाबा कहाँ पे है, तो नीचे दिया हुआ है, हमारे वीडियो को खोलिएगा तो उसके नीचे आपको मिल जाएगा एड्रेस, उसमें आप देखिए। क्योंकि 25-30 कमेंट रोज़ 40 आता है, तो मैं कैसे इतना कैसे यही लिख सकूँगा, नहीं लिखना मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो के नीचे दिया हुआ है हमारा ढाबा का एड्रेस, देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।